तो अगर आपने एनिमल का टीजर देख लिया है तो आप बिना नाम पढ़े ही बता सकते हैं कि भाई ये संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म है। और अगर आपको नहीं मालूम तो ये वही बंदा है जिसने कबीर सिंह को बनाया था अपने शाहिद कपूर वाली और उससे पहले अर्जुन रेड्डी विजय देवरकोंडा वाली। और बात यह है कि कबीर सिंह उनकी ही पहली फिल्म अर्जुन रेड्डी का ऑफिशियल रिमेक थी जिसे उन्होंने खुद ही बनाया था। मतलब कि उन्होंने एक ही कहानी को दो बार बनाया और दोनों ही बार सुपरहिट। और इस हिसाब से एनिमल टेक्निकली उनकी दूसरी ही फिल्म है। और आप टीजर देखिए, आपको लगेगा जैसे कि ये किसी क्राइम थ्रिलर जॉनरा के मास्टर डायरेक्टर की फिल्म है। तो ट्रेलर एक बहुत ही शांत और अच्छे मूड से शुरू होता है गीतांजलि और अर्जुन की कन्वर्सेशन से, जिनकी शादी हो चुकी है क्योंकि वो अपने पेरेंटहुड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, ट्रेलर में रणवीर के कैरेक्टर का नाम रिवील नहीं किया गया है, पर रिपोर्टेडली उनके कैरेक्टर का नाम अर्जुन ही होने वाला है। और ये बस इसलिए बता दिया क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा की पहली फिल्म अर्जुन रेड्डी में भी उनके लीड कैरेक्टर का नाम अर्जुन ही था। शायद ये नाम उनको बहुत ही ज्यादा पसंद है। खैर, तो ट्रेलर में जैसे ही गीतांजलि आगे अर्जुन के फादर के बारे में बात करती है तो पूरा माहौल टेंस हो जाता है। और यही हमें अर्जुन के कैरेक्टर आर्क का समझ आने लगता है कि उसकी सिचुएशन और वो खुद नॉर्मल तो नहीं है। और यहाँ दिखता है एक फ्लैशबैक जहाँ रणवीर के यंगर वर्जन को उसके फादर के द्वारा बहुत ही ब्रूटल तरीके से फिजिकली अब्यूज किया जा रहा है क्योंकि उसने कुछ तो क्रिमिनल एक्ट किया है। पर यहाँ नोट करने वाली बात है कि उसे अपने किए पे जरा भी पछतावा नहीं है और ये उसकी आंखों में दिख रहा है। और यहीं से इस कहानी के थीम का सवाल शुरू हो जाता है कि यहाँ जानवर कौन है, एक बाप जो अपने बेटे को बेरहमी से मार रहा है या जिसे मारकर वो उसके अंदर के जानवर को जगा रहा है, या फिर वो जिसे टीजर के लास्ट में ऑफिशियली एक विलन की तरह इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी अपने बॉबी देओल का कैरेक्टर। और इस पूरे टीजर की थीम अपनी कहानी कहती है कि एनिमल अंडरवर्ल्ड के एक्सट्रीम वायलेंस के प्लॉट पे बेस्ड फादर और सन के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन के इर्द गिर्द घूमेगी जो अपने प्रोटैगनिस्ट को क्रिमिनल और फिर साइकोपैथ बनने के रास्ते पे ले चलेगी। और यहाँ ये भी साफ हो जाता है कि ये कहानी कोई अच्छे या बुरे की नहीं है बल्कि बुरे और ज्यादा बुरे में अपने अपने वजूद को बचाने की है। और इसके बाद टीजर में दिखता है स्टाइलिश एक्शन, खून खराबा, कार चेज और एक हॉलवे मशीन गन फायर सीक्वेंस जो आजकल हर एक्शन फिल्म में एक ट्रेंड सा हो गया है। और इसके अलावा टीजर में बीजीएम और सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच लग रहे हैं। और फिर दिखता है टीजर का ये शॉट अपने लीड कैरेक्टर का खून से लथपथ शरीर जो इंडिकेट करता है कि चाहे हालात के चलते या अपने दिमाग के चलते अगर हम अपने अंदर के एनिमल को जगा लेते हैं तो आपकी मौत भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करती है। और इस टीजर में सभी की एक्टिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एकदम एक्यूरेट, स्पेशली रणवीर तो अलग ही लेवल पे दिख रहे हैं। और इसके लिए इस फिल्म को देखना तो बनता है, पर ये याद रखते हुए कि ये किसी हीरो की कहानी नहीं है बल्कि ये कहानी आपको ये बताएगी कि आपको अपने वजूद के किस अंधेरे कोने में नहीं जाना है। क्योंकि ये कहानी अपनाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए है, बल्कि सीखने के लिए होगी कि एनिमल ने ह्यूमन में डेवलप होने के लिए एक लंबा और मुश्किल सफर तय किया है और इसलिए हमें इस इंसानियत की कद्र करनी चाहिए। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।